फिर से एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप LRTI का स्कोर देख के डिमोटिवेट होते रहोगे तो सिर्फ उससे नुकसान वी और क्यूए पार्ट पे, जो अल्टीमेटली आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाएगा। LRDI आपको कट ऑफ क्लियर करके पहुंचना है, क्योंकि स्कोर ओवरऑल का डिफरेंस LRDI से बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। LRDI में स्कोर का डिफरेंस, अगर पेपर टफ आ जाता है तो 1.5 सेट, 2 सेट, 1.5 सेट पे भी, 2 सेट पे भी काम बन जाता है। आपका पहला टारगेट, अगर आप चाहते हो कि आप सच में किसी IIMA, मैं सिर्फ उन बच्चों की अभी बात कर रहा हूँ जो IIMA, BEC ये सब टारगेट लेके बैठे हैं, आपका पहला काम LRDI का कट ऑफ क्लियर करना है। आप अगर माइंड सेटअप में 3 सेट रखोगे तो आप ट्रस्ट करो, या 2 सेट भी रखोगे ना तो आप ट्रस्ट करो, वो दिन भी आ सकता है जहां आप एक भी सेट ना सॉल्व कर पाओ। देयर आर हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब एक सेट आगे बढ़ रहा होता है तो माइंड में ये चल रहा होता है कि दूसरा सेट भी, तो उस चक्कर में पहले सेट में भी सिली मिस्टेक हो, जैसे ही एक सिली मिस्टेक हुई तो खत्म हो गया वहीं पे काम। आपका पहला टारगेट एक सेट, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा से, क्योंकि एक सेट पे आपका गेम ये होता है कि आप सिक्योर हो, कम से कम आपकी वो हैबिट होनी चाहिए कि आप 5 क्वेश्चन निकाल के सिक्योर हो गए। LRDI में फ्लक्चुएशन कोई नहीं रोक सकता है। नाइन पेपर की डिफिकल्टी ऐसी भी बन सकती है जहां पे आप एक सेट भी शायद ना कर पाओ, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन बीच बीच में से खोज खोज के 5 क्वेश्चन कर पाओ। लेकिन अगर आप उसका असर QA और LRVA में आने दोगे तो चीजें खराब होनी ही होनी है फिर आपके, फिर आप नेक्स्ट ईयर पे चले जाओगे। आप अननेसेसरी जितना ज्यादा, फिर से मैं कह दूं कि जो 40 दिन बचे हैं, 40 डेज, आप स्कोर की जगह सिर्फ आप अपने प्रोसेस पे फोकस रखो। मैं लिख के दे रहा हूं, आप अभी मुझ आप ये बात अभी नहीं समझोगे जो स्पेशली फर्स्ट टाइमर है, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि जो तुम्हारा सिम कैट का स्कोर आ रहा होगा, या जो ईजी में स्कोर, जो सिम कैट में आ रहा होगा, ईजी का तो छोड़ दो तुम, जो सिम कैट में स्कोर आ रहा होगा उससे इतना ज्यादा डिफरेंट तुम्हारा कैट का स्कोर आएगा कि तुम खुद को, खुद से ही पूरा अलग सिनारी हो जाए। सिम कैट की VA और कैट की VA के स्कोर में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है बच्चों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सिम कैट की VA खराब है, आप सीखते बहुत अच्छा हो, जितना अच्छा सीखते हो उतना बेटर आप, बहुत ही जो ऑप्शन दो बहुत क्लोज होते हैं उसमें से भी एक ऑप्शन एलिमिनेट करने में अच्छे हो जाते हो, तो आप कैट की VA में और ज्यादा अच्छा कर पाते हो। तो सिम कैट की VA ऐसा नहीं, बच्चे कई बच्चे कहते हैं सर जी सिम कैट VA में कम आ रहा है, क्या रेलिवेंट है? नहीं, दैट इज 100% रेलिवेंट। आपको कैट की VA में स्कोर तभी आएगा जब आप सिम कैट की VA अच्छे से करते रहो, आपका स्कोर फ्लक्चुएट होता रहे, आप उसको थोड़ा सा अलग रखो स्कोर के फ्लक्चुएशन को, स्कोर के फ्लक्चुएशन को अलग करके जो बच्चा सिम कैट की VA देते हुए सीखते रहता है, तुम ट्रस्ट करो यू विल डू वंडर्स इन कैट VA। कैट VA जब आप दोगे तो वहां पे स्टोरी एकदम अलग रहेगी, आप जब दे लोगे तब ये चीज, इस चीज को समझोगे। अभी आप 1000 प्रैक्टिस करते रहो, 1000 चीजें करते रहो, लेकिन आप ये सोचो कि VA में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वो होगा नहीं। आप सिर्फ इतना आप कर सकते हो कि अपने आप को डिमोटिवेट करके रोते रहो, बस इतना कर सकते हो। इसके अलावा आप इतना मानो कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल तक है जहां पे आप अभी भी, जब कैट का पेपर अभी भी मैं आपके सामने उठा के रख दूंगा कैट 2023, तब भी आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। आप बस थोड़ा सा अपने आप को माइंड सेटअप ठीक करना है, 2-3 चीजें। पहली चीज ये कि मेरी पूरी लाइफ इस पे अटैच कर रही है, मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि अगर आपकी लाइफ इस पे अटैच कर रही है इस एग्जाम पे ना, तो आपका एग्जाम खराब होने वाला, मतलब समझ लो कि ये लिखी हुई चीज होती है। आप LRDI वहां पे पैनिक कर जाओगे, हाथ पैर फूलेंगे आपके, जब तक ये अटैचमेंट नहीं छोड़ोगे कि यार मेरी लाइफ नहीं है, एक लाइफ का पार्ट है, मुझे पता है जरूरी है एग्जाम, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा जो चीजें कंट्रोल में नहीं है, अगर उसको लेकर अपनी चीजें खराब करोगे तो ट्रस्ट करो कि चीजें वहां हाथ पैर कांप रहे होते हैं। जब तुम्हारी चीजें स्टेक पर होती है तो हाथ पैर कांप रहे, स्टेक पे होंगी, लेकिन ऐसा कोई भी वो नहीं है कि MBA इतना बड़ा कंपल्सन है कि इसी साल मेरा हो, भगवान करे कि इसी साल हो, और होगा भी। जितना ज्यादा इस चीज को कम सोचोगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा चांसेस। अभी तुम EG के, चाहे मैं मतलब अगर टाइम मिलेगा मैं बच्चों से वीडियो बना दूंगा जिनके लास्ट ईयर 99.9, 99.8, 99.7 है, उसमें से कितना बच्चा मैं जानता हूँ जो LRDI में बाई चांस उन्होंने थोड़े बहुत तुक्के मारे और वो सही हो गए, वो आज IIMA में बैठे हो। तुम कोई बंदा नहीं डिफाइन कर सकता कि डी डे पर LRDI में तुम्हारा क्या होने वाला है। हाँ, एक चीज डिफाइन होती है कि तुम अगर कामनेस रखोगे तो 100% उतना कर लोगे जहां तुम्हारे A में तुम्हारे लिए आ जाए,
स्कोर कितना आएगा कितना नहीं आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन डी डे। अच्छी चीजें 2 सेट हो, अच्छी चीजें 3 सेट हो, अच्छी चीजें मॉक में तुम्हारा ज्यादा है। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी 4 सेट का तुम्हें टारगेट बोल सकता हूँ, 4 सेट। लेकिन मुझे पता है कि कैट वाले दिन और IMS के मॉक वाले दिन या EG के मॉक वाले दिन की स्टोरी बड़ी डिफरेंट होती है। माइंड में जब आपका 1 सेट होता है कि आप 1 सेट तो चलो सॉल्व कर ही लो, फिर दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, 4 होने होंगे 4 होंगे, इजी होगा अपने आप ही। लेकिन अगर 2 3 सेट का टारगेट या 2.5 सेट का टारगेट सोचोगे तो चीजें अगर वहां पे टफ बन गया और एकदम पैनिक कर गए ना, तो 0-0 क्वेश्चन हो जाते। लास्ट ईयर कितना बच्चा ऐसा था जो IMS पे बहुत अच्छा कर रहा था और दे स्कोर्ड 0 मार्क्स, उनके 0-0 मार्क्स पे पहुंचे हुए हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है। तो क्यूए तो एक बच्चा तो था जो मतलब मॉक्स में, IMS मॉक में ऑलमोस्ट टॉप 10 पे आ रहा था, 0 मार्क्स, और वीए क्यूए कर ही के नहीं आया वो इसी चक्कर में कि कुछ हुआ ही नहीं जब LRDA में, तो क्या फायदा, वो कर ही के नहीं आया। उसके बाद अभी मतलब हो गया, उस जैट में हो गया, एक्सेल राई में बैठा हुआ, लेकिन उस समय कर ही के नहीं आया। ये दिक्कतें हो जाती एग्जाम कंडीशन में। आपको अभी से अपनी हैबिट बनानी है कि यार 40 दिन या 40 दिन एंजॉय करूंगा, जो स्कोर आ रहा है आने दो, मैं 40 दिन जो जो सीख सकता हूँ, जो जो कर सकता हूँ एग्जाम के लिए सब करूंगा। उससे ज्यादा जो चीजें मेरे कंट्रोल में, आधा पेपर, आधा बच्चों का तो मतलब खराब जो चीजें होती है वो इसी चक्कर में, मेरी लाइफ अटैच है, मेरा ये अटैच है, मेरा वो अटैच है, सबकी कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज के साथ अटैच होगी, चाहे कोई अच्छी पोजीशन को नहीं आता कोई बात नहीं, कैट में शायद पेपर उस लेवल का बच्चा मैं वहां जाकर फोड़, शायद मेरा बीएससी कैट में 2 ऑप्शन इलिमिनेट नहीं कर पाता, लेकिन मेरी इतनी पावर बन गई है कि मैं कैट में जब मुझे इजी ऑप्शन दिख जाते तो मैं इलिमिनेट कर लेता, कोई नहीं बता सकता। मैं फिर से बार बार तुम जाके जाके जो कैट के 12-13 टेस्ट है उनके स्कोर अपने सिम कैट के स्कोर में देख लेना, जमीन आसमान का डिफरेंस में खुद ही दिख जाएगा। सेम चीज फॉर क्यूए ऑल्सो, जाके क्यूए सिर्फ 2022 नहीं, मैं लगाऊंगा 2017 से 2022 तक, सारे तुम्हें खुद दिख जाएगा कि जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन उस पे बनते हैं कैट में बने हैं आज तक, 1 साल के नहीं, आज तक ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन बने और जो मॉक में बनते हैं उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। तुम्हें वो चीज समझनी है कि कई चीजें इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अवेलेबिलिटी बड़ी लिमिटेड रहती है। अब मुझे किसी को आरसी बनाने, 100 आरसी बनाने कहां बैठेगा, पूरी पूरी कोचिंग सेंटर में लग जाएगा कि बंदा तो 100 आरसी 100 LRDA के सेट नहीं बना पाएगा। तो तुम्हें समझना है कि वो लिमिटेशन के कारण कई चीजें उस तरह से बनती है जहां पे आपको जबरदस्ती डिमोटिवेट नहीं होना है, जबरदस्ती का आपको आपका काम होना चाहिए कि आपकी जितनी चीजें पढ़ी उसका परफेक्ट रिविजन हो जाए, आपका आपके मॉक में डिसेंट स्कोर, इस मॉक में इतना स्कोर आपका गया तो आपको सेफ हो, अच्छी चीजें आपकी नहीं आई फिर से लगू 20 जो भी आपका टाइम है 40-45 दिन, सर रिक्वेस्ट की स्कोर से अटैचमेंट हटाओ अपने आप ही। तुम्हें कैट में बैठे हो जिन बच्चों के ज्यादा आ रहे हैं उनके घटने के भी हो जाता है जो बच्चा इसी समय, कई बार बच्चों के स्कोर अच्छे आना भी बड़ी खराब चीज होती है। 2 साल 3 साल एक लड़की, दो बहनें मेरी प्रिपरेशन करती थी और एक और अलग से लड़का था, दोनों के स्कोर सेम कैट में टॉप पे आते रहते थे। फर्स्ट ईयर जब उन्हें 2 बार दिया, तीसरी बार में हम लोग गए किसी कॉलेज में, 2 बार ये हुआ कि IMS में 1 बार भी स्कोर कम नहीं आया, जैसे ही कैट में गए तो रियलिटी समझ आ गई, हाथ का काम नहीं लगे वहां पर, प्रेशर नहीं हैंडल होता उस समय। चीजें अपनी जितनी ज्यादा ये अपने दिमाग में रखो, 40 दिन में नॉर्मल रखूंगा खुद को, जबरदस्ती काम नेसेसरी है, मुझे दिन भर बैठ के लोड नहीं लेना कि ये स्कोर वो स्कोर ये स्कोर, जितना मैं पढ़ सकता हूँ उतना मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी मेहनत कर रहा हूँ, 20 घंटे दे रहे हैं 20 घंटे दे रहा हूँ, स्कोर कम ज्यादा होता रहेगा, मैं अपना जितना मुझे जाऊंगा पेपर में जो जो इजी क्वेश्चन होगा सॉल्व, जितना तुम्हें आता है इजी क्वेश्चन बस वो सॉल्व करोगे 99.5 प्लस पे तुम बैठे हो, इससे कम नहीं, 99.5 प्लस पे। फिर मैं कह रहा हूँ कि LRDA के स्कोर के चक्कर में क्यूए खराब करना, BRC खराब करना किसी और रीजन से, कि सिम कैट में मेरा कम आ रहा है, मेरा कैट में क्या होगा, तुम कैट में भी चक्कर में खराब कर लोगे। अदरवाइज तो फिर मॉक दो ही मत, मॉक से तुम्हें इसलिए देने हैं सिम कैट के यार मैं सीखूंगा, हर मॉक में कुछ ना कुछ मेरी और अच्छी बन रही, रीडिंग हैबिट हो रही अच्छी, मैं अच्छा ऑप्शन थोड़े बहुत एलिमिनेट करने लगा, मैं कम से कम कैट के क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे दिखने लगे ऑप्शन, उस प्रोसेस पे रहना है। प्रोसेस ये नहीं कि दिन भर बैठ के डिमोटिवेट होकर अपना टाइम भी खराब करो, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हो, हेल्थ खराब होनी चाहिए पढ़ने के उस पर, हेल्थ खराब इसलिए एक मॉक मेरा कम स्कोर आ रहा है इसमें का कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने मैसेज मैं दिखा सकता हूं जिनके मॉक में स्कोर नहीं आते थे तो वो कैट में फोड़ के आज किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में बैठे। बेसिक एग्जांपल बता, YouTube पे वीडियो पे 5-6 डाले अभी हजारों बच्चे होते हैं, YouTube पे सौरभ मत्ता का देख लेना, सौरभ मत्ता वीडियो देखा होगा, देखा वीडियो सौरभ मत्ता लगता है उसका वीडियो देखा होगा शायद, VMOs बंदे के 45 परसेंटाइल नहीं क्रॉस होते थे, QA में 45 परसेंटाइल नहीं कभी क्रॉस हुए, और ये स्कोर मोर देन 97-98 परसेंटाइल का, तो ये सिर्फ एक के तरह नहीं होते, ये एक बच्चे के साथ नहीं, एक बच्चे का हजारों बच्चा ऐसे, थोड़ा सा बस अपना स्कोर वाला छोड़ के अपना मॉक देते जाओ, उसका डिस्कशन अटेंड करते जाओ, उसके क्वेश्चन सीखते जाओ, जब एक फुल फ्लेज रिवीजन हो नवंबर के टाइम पे तो एक बार पूरा अच्छे से एक चीज अपने दिमाग में कि कोई चीज भूलो मत किसी भी पॉइंट पे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैट में जब बैठे हो तो आप कोई फॉर्मूला कोई मेथड कोई चीज भूल ना रहे हो, काम को प्रेशर हैंडल करना आपका काम होगा, मेरा काम यह कि मैं इतनी प्रैक्टिस आपकी करा दूं कि वहां पे कौन सेक्शन में आप भूलो मत, कोई आप फॉर्मूला हो कोई कोई भी एक वो दूर का कोई कॉन्सेप्ट है वो ना भूल रहे हो, कोई फॉर्मूला ना भूल, उतनी बार तो नंबर में हम लोग करते ही रिवीजन कम से कम। LRDA में मेक श्योर करेंगे कि फर्स्ट नंबर से जो सेशन होने अभी से जो LRDA लास्ट लैप है अगर मुझे सेट मिल गए जितने ज्यादा, फिर से वही बात आती है कि उतने सेट बनाना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता, उतने सेट की 4-4 सेट का एक LRDA लास्ट लैप, फिर मैंने 4 सेट का दूं, लेकिन फिर वही है कि एक आधा सेट भी हमें पास्ट ईयर के पहले के क्वेश्चंस एंड ऑल से मिला के एक सेट बनाऊं चेंज करके, तो फिर वो एक सेट अगर कॉमन आ जाएगा तो मैसेज आने लगेगा सर ये वाला तो सेक्शनल 8 में दिया था, ये वाला तो सेक्शनल 7 में दिया था, उस चक्कर में 4 सेट का नहीं बना पाता, कि वरना 4 सेट का दे दो हर दूसरे दिन उसका डिस्कशन करा, रात को किसी समय डिस्कशन करो, 4 सेट का दो जितना अभी से लेकर जब तक कैट है बीच में 7 दिन 8 दिन का जो टाइम बैठ उसमें नहीं, उसके बाद जो है वो 4 एक ब्रेक दिया सेक्शनल, 4 क्वेश्चन आप लगाओ उसका डिस्कशन करें, 4 एक लगाओ उसका डिस्कशन करें, कौन कौन सा आपको पिक कर लेने चाहिए वो हैबिट आपकी बन जाए। तो ट्राई मैं करूं, मैं कल तक देख रहा हूं सेट कलेक्ट कर रहा हूं कि जो जो सेट को चेंज करके बनाया जा सकता है जितने सेट पॉसिबिलिटी हो सके, अगर नंबर सेट हो गए तो परसों से ही वो चीज स्टार्ट करूंगा, एक एक सेट की 4 सेट डालूंगा, हर दूसरे दिन देखिए बात डिस्कशन करते रहेंगे, क्वांट में जो संडे को चीज है वो खत्म करके उसके बाद क्वांट आप चलाओ जैसे जैसे चला सकते हो, जितनी जितनी चीजें हैं जो रिवीजन वाला पीएनसी एंड ऑल का रिवीजन, फिर मैं नवंबर में आपका कराऊंगा, इसके नेक्स्ट वीक के बाद आपका एनमैट का भी प्रोसेस स्टार्ट है, तो एनमैट वाला करेंगे जो भी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बेसिकली एनमैट का एक और चीज ध्यान रखो, एनमैट में आपको अटेम्प्ट 36 36 36 करने ही है, अगर आपके लास्ट के 3-4 मिनट बचे हैं तो गैस ले लो,
सबके, लेकिन इसे अटेम्प्ट कम नहीं करने हैं, एक एक अटेम्प्ट कम पे बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं जैसे मैंने बताया, तो उसको नहीं करना है। तो सिमकेट क्यूए 9 को सिमकेट 12 को फ्राइडे को होगा सैटरडे, फ्राइडे विल बी डिस्कशन बेटा, कल है डिस्कशन सिमकेट 9 को, एलआरडीआई का वीडियो अपडेट होगा सिमकेट 12 का फ्राइडे को, कल आज जाके सिमकेट 12 ऑलरेडी आप दे चुके हो, मैं मान के चलूंगा आज जाके सेट क्यूए का 9 वाला दोगे, क्यूए का 9, क्यूए 9 फिर से कैट से थोड़ा सा लेवल आपका स्कोर भले आ जाए, बट कैट से अच्छे लेवल का पेपर है, कैट में उतना भी नहीं बनता है, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का बनाया, कुछ चीजें सिखानी थी, कुछ चीजें वहां पे किस तरह से सॉल्विंग करते, कुछ बच्चों के स्कोर आएगा बाकी बच्चों का कम आएगा, तो डिमोटिवेट अननेसेसरी मत होना, पहले मैंने लिख दिया बता दिया कि अननेसेसरी फिर से डिमोटिवेट हो जाए, ठीक है वो मत होना। और फिर जब तुम संडे वाला सेशन कर लो उसके बाद मंडे को तुम जो मॉक दोगे उसमें तुम्हें रिवीजन का लैक नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 200-250 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो 200-250 क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आ चुका होगा, बट संडे आपको डेडिकेट, संडे वो रात हो जाए या सुबह हो जाए, आपको बस वो संडे का ट्राई करना है कि संडे मैं चुपचाप बैठूंगा कॉपी पेन लूंगा और सॉल्विंग, जो जो क्वेश्चन मुझे आपसे सॉल्व कराना होगा मैं कराता जाऊंगा, जो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं ये गो थ्रू कर सकते हैं वो हम लोग गो थ्रू करेंगे, बट गो थ्रू जरूर करेंगे, ऐसे 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 होना चाहिए, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमें सॉल्व कराना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन बच्चों का फंस सकता है सिमकेट में या कैट में फंस सकता है, तो विल डू दैट क्वेश्चन, तो 250 300 क्वेश्चन ऑलमोस्ट होंगे उनके, तो हम लोग करेंगे, पीडीएफ मत मांगना दर्ज कर सकते हो उसे, ठीक है वो भी लास्ट ईयर के हैं, वो भी लास्ट ईयर के बच्चों को डिस्कशन किए थे, वो सारी एक बार पूरे डिस्कशन में ला दूंगा, ठीक है। और अब फिर से मैं कह रहा हूं कि स्कोर से जितना अटैचमेंट कम करोगे, मैं आपको वादा करता हूं कि आपने जितना पढ़ा अभी आपको नहीं पता इस चीज का, लेकिन आपने जितना पढ़ा और जितने बच्चे कैट दे रहे हैं मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप एंड तक टिके रहोगे तो आप अच्छा करोगे, 100% मैं श्योर हूं कि आप जितने बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं बस उसमें आपका परसेंटाइल अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, आप बस ये है कि टिके रहो एंड तक, सिर्फ कैट तक ही नहीं जेड तक, कैट के बाद स्नैप के लिए, स्नैप के बाद जेड के लिए। और एक और चीज की सर एनमैट में किस समय, तो मैं यही चाहता हूं, मैंने आपको अपना पर्सपेक्टिव बता दिया था कि मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि स्नैप इज मेरे लिए, स्नैप इज इंपॉर्टेंट है, एनमैट मैंने रीजन उस दिन भी आपको बताया था कि मुझे ये लगता है कि स्नैप पे बच्चों को चांसेस एक तो ज्यादा मिलते हैं, स्पेशली दो स्टूडेंट जो थोड़े से वीक है तो उनको चांसेस ज्यादा मिलते हैं, एक तो तीन, ऊपर से स्नैप में नंबर ऑफ ऑप्शन अच्छे वाले ऑप्शन ज्यादा खुल जाते हैं, एनमैट में अच्छा ऑप्शन है मुंबई, बाकी उतने हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं, जितना स्नैप एसआईबीएम को ऐसे चमाड़ी देगा, प्लस 3 पॉसिबिलिटीज है, प्लस बैच साइज थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा, एनमैट में कुछ भी इशू हो सकता है, कई बच्चों के लिए वो इशू हो, कई बच्चों के लिए क्या मैक्सिमम के लिए होता है इशू, तो मेरे लिए स्नैप ऑलवेज प्रायोरिटी है, अगर मतलब एनमैट के मुकाबले स्नैप को, तो मैं यही चाहता हूं कि एनमैट आप पहले दे दो, जैसे स्नैप के समय पे आप सिर्फ स्नैप पे फोकस कर पाओ, क्योंकि इस बार स्नैप के लिए टाइम मिल रहा है आपको ज्यादा, पहले आईएफटी हुआ करता था तो उसमें भी फसल मच जाती थी, लेकिन इस बार आप स्नैप बहुत और ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो चीजों पे, जहां पे अपनी स्पीड भी 26 को आओगे तो 26 की रात को मैं एक सेशन हमेशा से यही सिनेरियो था, 26 को आओगे 26 की रात को मैं सेशन लूंगा और 27 से हम लोग उस प्रोसेस पे लग जाते हैं, जहां सुबह मॉक दोगे दो मॉक दोगे, और इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है स्नैप, बिकॉज एक ओवर का मॉक होता है आप हंसते खेलते एक ओवर का मॉक दे सकते हो, दो मॉक भी दे लो क्योंकि एनालिसिस का कैट एंड ऑल की एनालिसिस का नहीं होता ज्यादा, आप मॉक दोगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते होंगे, एक बार बस गो थ्रू कर लेना होता है, वही ज्यादातर स्नैप का रहता है सिनेरियो, तो उस पे ज्यादा एनर्जी आप नहीं वेस्ट करता, दो मॉक कई बच्चे जो नॉन वर्किंग होते हैं तीन मॉक दे लेते हैं, तो उनके फिर रात को हम लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, बीच में फिर जैक का चलता है, लेकिन समय जब तक स्नैप हो रहा था तब तक जैक के डिसीजन मेकिंग के पार्ट पे नहीं फोकस करके, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले पॉइंट और वी उसका पार्ट चलता है, जो आपके स्नैप के लिए हेल्पफुल, जैसे ही वाला पार्ट खत्म होता है हम लोग 15 दिन 20 दिन सिर्फ डिसीजन मेकिंग का पार्ट करते हैं, हर साल का सिनेरियो इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम भी मिल जाता है, बिकॉज ऑफ आईएफटी, अदरवाइज आईएफटी में 7 डेज लगते थे वहां पर, 7 डेज का, तो वो अपनी करना होता है स्नैप, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप डिसेंट लेवल पे पहुंचे तो आपको एडमिट दे देना चाहिए, अगर आपको लगता है नहीं मैं बाद में देना चाहता हूं, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि लास्ट में टफी आएगा पेपर, इट इजी आल्सो, लास्ट ईयर भी कई बच्चों कोई भगवान नहीं, कोई नहीं जानता, अपने अपने प्रेडिक्शन सब दे सकते हैं, इजी टफ का पैसा कुछ आएगा, लेकिन सेटअप हो जाए, हो सकता है शायद इजी हो जाए, कुछ एक दो साल के सिनेरियो पे बोल दिया जाता है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी की लास्ट में थोड़ा सा टफ बने, जो बना है पैटर्न रहा है तो इस बार हो सकता है इजी बना, पैटर्न ब्रेक कर दो, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अगर आप लास्ट बाद में देना चाहते हो तो आपकी डेट दिसंबर की फर्स्ट वीक होनी चाहिए, जैसे ही 26 खत्म हो 27 28 29 31 सेकंड 5 से 6 7 मॉक दिए और 6 7 मॉक देके फिर चलेंगे, बस यही है कि वो 6 7 दिन फिर स्नैप में थोड़ा सा हैम्पर होगा, क्योंकि जब आप एनमैट का मॉक दोगे ना तो यू विल नॉट गेट टाइम फॉर स्नैप मॉक, क्योंकि एनमैट में आपको एनालिसिस भी करना है, आपको उसका देखना भी है, जो स्नैप में नहीं होता, स्नैप की प्रिपरेशन इंडिविजुअल चल जाती है, 1 घंटे का मॉक होता है 1 घंटे इजी रहता है, 2 घंटे का मॉक होता है थोड़ा सा डिफिकल्टी उसमें पड़ती है, तो इफ यू हो एनमैट इज अ वेरी गुड कॉलेज, एनएम मुंबई इज अ रियली गुड कॉलेज, बट जब मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद यहां बच्चे के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी स्नैप में थोड़ी ज्यादा है, जबकि एनमैट में लास्ट ईयर ईजी से 130 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, उनमें से ज्वाइन कितने ने किया मुझे नहीं पता करेक्ट काउंट कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, क्योंकि बहुत बच्चा उसमें से अलग अलग कॉलेज में हो जाता है, लेकिन फिर भी स्नैप शुड बी योर प्रायोरिटी, रीजन तुम्हें पता ही है क्यों, और फिर बाकी अपनी प्रायोरिटी बना सकते हो, अब तुम्हें नॉलेज नहीं है कि स्नैप और एनमैट में क्या है फिर तो वो अलग चीज है, लेकिन स्नैप भी अच्छे कॉलेज, दो बहुत अच्छे कॉलेज है, SIBM पुणे SHMRT इज अ वेरी गुड कॉलेज, जहाँ पे आप जाके अच्छी खासी ग्रोथ, अभी कई स्टूडेंट लास्ट ईयर ही किया कि स्टूडेंट था ने भी अच्छा किया है काफी, तो अच्छा करते हैं SIBM पुणे SHMRT में जाके बच्चे, तो आपको बस वही ध्यान रखना है, बाकी जितना स्कोर से अटैचमेंट हटाओगे जैट तक जितना बच्चा टिका रहेगा, जैट भी छोड़ो माइका तक, कम से कम माइका 2 और भी जो एग्जाम तुम देना चाहो उनके लिए जो भी एग्जाम देने चाह रहे हो तब तक टिके रहोगे तो अपने आप ही अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, बाकी जो ABC का टारगेट कर रहे हैं जो भी टारगेट कर रहे हो अपने अटैचमेंट से स्कोर के छोड़ना होगा, तभी LRDI के पैनिक वाले बटन से हटोगे और सेट 2 भी सॉल्व होंगे, 3 भी सॉल्व होंगे, 4 भी सॉल्व होंगे, जितने होने होंगे वो हो जाएंगे, पहला काम है कि तुम्हारे पास 3 साल 4 साल बाद तुमसे ये कोई नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे LRDI में क्या परसेंटाइल आए थे, तुमसे ये जरूर पूछ रहा है कि किस कॉलेज से तुमने MBA किया हुआ, तो मेक श्योर कि वो कंडीशन आए जहां पर तुम LRDI में एक कट ऑफ की रेंज ऊपर आराम से कर चुके हो, जिससे तुम QA और BA में बढ़ा दो और अपना तुम्हारा काम बन जाए। जिन बच्चों का QA थोड़ा ठीक होता है, कैट में एक ही चीज नॉर्मली 99% फिक्स होती है, दैट इज QA स्कोर, और VA में जनरली जैसे मैंने कहा बच्चे अच्छा करते हैं, जितना तुम्हें अभी VA खराब लग रहा है तुम कैट सेक्शन में उतना चांसेस रहेंगे कि तुम अच्छा करोगे, जब तक बहुत पैनिक ना हो, नॉर्मली यही होता है। एक साल का पेपर था शायद बस, कोई एक स्लॉट था, स्लॉट मुझे नहीं याद आ रहा,
बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया हुआ है। अरेबियन अरेबियन स्टोरी किस वाले कैट में आई थी? 2019 में अरेबियन स्टोरी, 2019 में अरेबियन स्टोरी ना, अरेबियन स्टोरी स्लॉट वन। हाँ, उनमें कोई एक स्लॉट था जो काफी ज्यादा स्पेसिफिक उन्होंने दिया था। अदरवाइज 2017 से 2022 तक मुझे नहीं लगता कोई स्लॉट होगा जिसमें आप जितने आपके सिम कैट में आ रहे हो उससे कम स्कोर करो, वो पॉसिबिलिटी होती नहीं है, वो होगा भी नहीं ओरिजिनल कैट में भी, क्योंकि वहां पे ऑप्शन उस तरह के बनाए जाते हैं जहां पे आप क्लियर कट का ही ऑप्शन आपको दिख जाते हैं कि क्लियर कट यू कैन एलिमिनेट। आप पीजे भी जो चार वाले, इस बार मुझे लगता है 2022 अगर आपने दिया होगा तो 22 के पीजे एंड ऑल थोड़े इजी बने हुए थे जितने आपने सिम कैट में देखे। 2022 के पीजे एंड ऑल तो उस बार इजी 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 बने हुए थे। आरसी तो आरसी आरसी सिर्फ जैसे मैं बोल रहा हूँ 2017 से 2022 में सिर्फ एक साल था, वो भी आरसी उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट था जिनके लिए स्पेसिफिक, जिनको ना नॉलेज हो उसके लिए। शायद उसी में एक आरसी वो उसका उसका दिया हुआ था, वो मैकेनिज्म पे दिया हुआ था ना, वो वेल वाला उसी में था ना, वेल वाला भी तो उसी में था ना, जहाँ पे वेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, सी लैंड और वेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो उस पर बिल्कुल, तो मैं मैट के लिए पढ़ू या लार्ट एक कैट कर, ये आर्ट के बाद तो नहीं होगा सिद्धार्थ, बाकी बच्चे भी है, आप आर्ट के बाद उन पर्टिकुलर सेशन को कवर कर सकते हो। हाँ, अब वो एलिफेंट ऑक्टोपस वाले जो थे वो थोड़े से स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं ना, तो वो बच्चे अगर जिन्होंने जो उस बैकग्राउंड के, तो उन्होंने काफी अच्छा उस समय किया। बाकी सब में वो कैट के आरसी ऐसे नहीं होते, अगर आपने तभी सिम कैट के आरसी इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर स्कोर पर्पज बट फॉर योर ऑप्शन एलिमिनेशन पर्पज। बहुत अच्छा होता है बच्चों का जो बच्चे सिम कैट के आरसी को सही से करते हैं, और वहां जाके फिर आपको दो चीजें समांतर में चलनी चाहिए। समांतर मतलब एक ईजी के मॉक और आईएमएस के मॉक का फायदा ये है कि आईएमएस आपको जो कैट से थोड़ा सा अबव होता है तो आपको चीजें सिखाता है, ईजी का वीएआरसी में आप कैट जितना स्कोर ऑलमोस्ट करोगे, जितना कैट में आएगा आपका स्कोर ऑलमोस्ट उतना ही स्कोर आपका बनने वाला है। आप इतना मान सकते हो कि ईजी के वीएआरसी में जो आप स्कोर कर रहे हो, आप मैक्सिमम, मैंने लास्ट ईयर लास्ट 3 साल से तो ऑलमोस्ट मैं यही देख रहा हूँ कि बच्चे उस रेंज में कर देते हैं सेम चीज पे। क्यूए में रेंज विल बी इन मिडिल, कहीं ना कहीं कुछ मॉक अगर छोड़ दो तो कुछ ऐसा होगा कि कुछ सिम कैट वाले के रेंज में, कुछ मॉक ऐसा होगा जो कैट। मैंने इस तरह का डिवाइड किया है कि 2017 से 2022 जब मैं पेपर बनाता हूँ तो मैं 2017 का पेपर लगता हूँ, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन इससे आया, इस वाले में इतने इजी बने, मैं उसे अकॉर्डिंगली बना देता हूँ। अब वो उसमें से कुछ पेपर इजी भी होते हैं, कुछ पेपर थोड़े से, अभी जैसे जैसे बीच में जैसे मैंने 9 दिया तो 9 में यू विल अंडरस्टैंड कि वो पेपर 2022 से भी ऊपर लेवल का है, तो वो जैसे जैसे जिस तरह की, तो तुम्हें बाकी चीजें किस तरह का और बन सकता है वो सिम कैट से मिल देते। तो दोनों चीजें करना इंपॉर्टेंट है, हाँ, इस तरह का भी पेपर आए तो मैं प्रिपेयर रहूं, इस तरह का भी आए तो मैं प्रिपेयर रहूं। आप सिर्फ ये माइंड सेटअप नहीं कि 2022 में 12 क्वेश्चन इनफ थे तो 12 क्वेश्चन ही इनफ होंगे, नहीं, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन का पहला टारगेट इनफ है कि पेपर अगर अच्छे लेवल का भी बना, जब पेपर नॉर्मल लेवल का बनेगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चन। 2017, 19, नॉट 18 में 12 क्वेश्चन भी इनफ थे, 22 में से 12 भी इनफ होते, अगर 22 क्वेश्चन बनते, 12 में भी आपका 99.6 90.7 बन जाता। तो वो दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वहां से आप रिवीजन ज्यादा अच्छा कर सकते हो। बस इतनी चीज ही है आपको स्कोर से, बस एंड ऑफ द डे अगर स्कोर से अटैचमेंट छोड़ोगे तो आपकी चीजें अच्छी होंगी कैट सिनारियों में। जितना ज्यादा स्कोर के पीछे भागते रहोगे कि मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उतना ज्यादा चीजें खराब होती रहेंगी। अब दूसरी चीज, कल से आपको आरसी एंड ऑल के टॉपिक टेस्ट, एलआरडीआई का मैं कल तक अपडेट कर दूंगा, अगर मैं चार चार के, मैं आज रात को पूरा बैठ के वो सर्च मारूंगा अच्छे सेट, अगर मुझे मिल गए चार चार वाले, चार वो मतलब चार चार सेट बनाने वाले, तो मैं पूरा पूरा उस पर वर्क कर दूंगा कि हाँ चार चार वाले जो प्रॉपर होता है उस तरह के मैं एलआरडीआई लास्ट लैप में डालने लगूंगा। अगर वो पॉसिबिलिटी मिल गए मुझे जितने, तो उतने के तो कम से कम डाल ही दूंगा टेस्ट पे। तीसरी चीज, यूट्यूब पे आपको जितने अभी तक सेशन डले हैं वो कवर करने ही करने, उसके बाद जो सेशन थे वो सब आपके जूम पे होंगे और उसी के थ्रू होगा। संडे वाला सेशन मस्ट है आज, और फिर सिम कैट 12 और जो आपका EG9 का, इसके स्कोर को, आपका स्कोर अच्छा आता है बहुत परफेक्ट चीज है, इसके स्कोर को आपको दिल पे नहीं लेना है जबरदस्ती, क्वांट का स्कोर भी दिल पे नहीं लेना, आपको चीजें सीखने को बहुत मिलेंगी। जब कल डिस्कशन करेंगे तो यू विल लर्न मेनी थिंग्स, ठीक है? उसके बाद जब वो क्वांट में जब संडे के बाद मॉक दोगे तो आई होप कि तुम भूलोगे नई चीजें और तुम्हें काफी चीजें इंप्रूवमेंट सिनारियों पे दिखेंगी। चलिए ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक से एनमैट का भी डेली सेशन होगा, बाकी
मतलब डेली सेशन में जो मॉक का डिस्कशन, मॉक वाला जो डिस्कशन पार्ट होगा, और कुछ स्ट्रेटजी रिलेटेड डेली बेसिस पे करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या क्या और बना सकते हो अपनी।